मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सोमवार को अटल बिहारी विश्वविद्यालय परिसर बिलासपुर में स्थापित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें सादर नमन किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज एक सप्ताह के अंदर प्रदेश की न्यायधानी में दूसरी बार आप सभी के बीच में खुद को पाकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज 25 दिसंबर सुशासन दिवस पर मैं आप सभी को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। प्रदेश में सुशासन लाने के लिए आप सभी सहयोगी होंगे। जितनी साक्षरता शैक्षणिकता बढ़ेगी उतना ही सुशासन आएगा। आज हमारा सौभाग्य है, जैसा कुलपति जी ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर प्रदेश की न्यायधानी में दूसरी बार आप लोगों के बीच मैं अपने आप को पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और आज ये अवसर प्रदान करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय परिवार का मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। आज 25 दिसंबर है, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। अटल जी को सत सत मैं नमन करता हूं। ये 25 दिसंबर को पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है और प्रदेश में सुशासन लाने के लिए आप सभी लोग माध्यम होंगे। हम सब लोगों के कारण ही सुशासन आएगा और सुशासन के लिए कहीं ना कहीं शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है। जितनी साक्षरता शैक्षिकता बढ़ेगी उतने ही प्रदेश में सुशासन भी आएगा। और हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों को बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आज बताते हुए दुख होता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर शिक्षा के जगत में आज हम लोग स्टाफ भी पर्याप्त नहीं दे पाए हैं। तो अगर छत्तीसगढ़ में सुशासन लाना है तो शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान पर बहुत जोर देते हैं। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा के जगत में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और आज मैं मुख्यमंत्री के नाते ये कह सकता हूं कि इस क्षेत्र में जितना भी हो सकेगा हमसे उतना करेंगे। और इस विश्वविद्यालय की भी जो भी आवश्यकता हमारे कुलपति जी, हमारे विधायक सुशांत शुक्ला जी बता रहे थे, निश्चित तौर पर बैठेंगे, चर्चा करेंगे और यहाँ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो सब पूरा करेंगे। आज क्योंकि बहुत टाइट शेड्यूल है, आज बताते हुए गौरव हो रहा है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, अधिकांश लोग किसान हैं। और जब 15 साल हम लोग की सरकार थी तो 2 साल का बोनस हम लोग नहीं दे पाए थे। वैसे तो 12 लाख से ज्यादा किसानों को आज उनके खाते में 3700 करोड़ रुपया से ज्यादा का 2 साल का बोनस ट्रांसफर करने वाले हैं। और 2 बजे पूरे प्रदेश में कार्यक्रम है, हमारे विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण भी सब कार्यक्रम में जाने वाले हैं। और मोदी की गारंटी के माध्यम से हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से
हर वर्ग की चिंता करते हुए कमिटमेंट किए हैं, वादा किए हैं और मुख्यमंत्री के नाते हमारा पूरा प्रयास होगा कि 5 वर्षों में मोदी की गारंटी ने जितने भी वादा हमारी पार्टी ने किया है उसको पूरा करेंगे। मुझे भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पहले ही कैबिनेट के बैठक में कांग्रेस की 5 वर्षों की सरकार में जो 18 लाख गरीब लोग पक्का के मकान से वंचित हो गए, प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हो गए थे, पहले ही कैबिनेट में हम लोगों ने निर्णय ले लिया है और 18 लाख गरीब लोगों का पक्का का मकान बनेगा। और जो भी वादा मोदी की गारंटी में है वो सब वादा आने वाले 5 वर्षों में पूरा करेंगे। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आज का अवसर प्रदान करने के लिए आप लोगों के बीच में हम लोग आ पाए हैं, तो इसके लिए फिर से एक बार अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करते हुए और ये आप सभी लोगों से आह्वान करते हुए कि सभी लोग मिलकर छत्तीसगढ़ के लिए, जो पूरे देश में कहावत है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो उसको चरितार्थ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।